अस्सलाम वालेकुम। ये जगह हवेली आज़ाद कश्मीर में मिर्ज़ापीर सेक्टर से ऊपर शंख धन्ना की तरफ जाते हुए रास्ते में है। इस वक्त जो जगह आप देख रहे हैं ये शंख धन्ना में मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ मेरे साथ कुछ दोस्त आए जो यहाँ के लोकल रहायशी भी हैं, फ़हीम राठौर साहब एंड मुनीब राठौर साहब। इस वक्त यहाँ पर बहुत खूबसूरत मौसम को हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। कुछ पिक्चर्स बनाई हमने, कुछ वीडियोस क्रिएट की। काफ़ी खूबसूरत जगह है, चारों तरफ जंगल और दरमियान में मैदान। गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए एक खूबसूरत और पुरकशिश जगह, छोटी झील, काफ़ी खूबसूरती का नज़ारा पेश करते हुए शंख धन्ना। वहाँ सामने आपको एक रोड नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक आप गाड़ी पर आ सकते हैं। वहाँ से इस जगह में तकरीबन 20 मिनट का पैदल रास्ता है जो जंगल के अंदर से गुज़र के आता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। आप सब से गुजारिश है कि आप सब लोग देखने वालों ने नीलफरी टूर फेस्टिवल्स तो देखा होगा, उसमें शिरकत भी काफ़ी सारे लोगों ने की होगी। कभी आपका चक्कर लगे हवेली आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड कोटा में तो इस जगह का इंतखाब करें और यहाँ पर भी आएँ। बहुत खूबसूरत जगह है। इस जगह पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस जगह पे अगर आप कैंपिंग करते हैं तो आसपास गिरदोनवा में आपको करीब तरीन देखने के लिए कब्रां वाली बहुत खूबसूरत जगह है ऊपर टॉप पे, वहाँ से आप महमूद गली वगैरह को देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको महमूद गली, नीलफरी, बिडोरी, काला मूला, सोली और इस तरह की काफ़ी सारी जगह खुर्शीदाबाद नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह टूरिस्ट लोगों के लिए। सामने आपको जहाँ रोड नज़र आ रही है माथा टिक्का है और ये माथा टिक्का से भी ऊंची जगह है। बहुत क्लासिक व्यू है इस जगह का। काफ़ी हाइट पर मौजूद है, ठंडी हवाएं चलती हैं गर्म मौसम में। सामने जो पहाड़ आपको ऊंचा नज़र आ रहा है ये फॉरवर्ड कोपरा है। इससे नीचे डॉक है शंख, जहां कुछ घर भी हैं। ये लोअर डन्ना की वीडियो है। ये लोअर डन्ना है, अपर डन्ना तो आपने देख लिया, ये लोअर डन्ना। नीचे जो शहर आपको नज़र आ रहा है मेन फॉरवर्ड कोटा का शहर है। थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, ये मेन फॉरवर्ड कोटा का शहर है। यहाँ से तकरीबन ये जगह 2 घंटे के फासले में। ये कब्रिस्तान है राठौर फैमिली का, जिसके पास मैं इस वक्त खड़ा हूँ। इस कब्रिस्तान की अगर फॉरवर्ड कोटा की तरफ मुँह करें तो राइट साइड पे लोअर डन्ना और लेफ़्ट साइड पे अपर डन्ना। अभी आपको अपर डन्ना नज़र आ रहा है। फ़हीम राठौर साहब वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, वीडियो शूट करते हुए। ये लोकल छोटी छोटी 2 झीलें डन्ना के दरमियान में। सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये शंख डोक है। यहाँ के हम लोग रहायशी हैं, लोकल रहायशी हैं यहाँ के। ये हमारे घर यहाँ मौजूद हैं, जिनमें हम तकरीबन अप्रैल से अगस्त तक रहते हैं।
बहुत खूबसूरत जगह है, जंगल चारों तरफ जंगल है, जंगल के दरमियान में घर। ये कालू डेरी है इसका नाम, और वो सामने कोई हमालिया का कुछ सिलसिला है। काफ़ी तेज़ धूप है जिसकी वजह से चेहरा और बाजू, जिस जगह पे कपड़ा नहीं है तो जल कर ब्लैक हो गए। ये कुछ पिक्चर्स हैं।